मम्मी क्या हुआ? शौर्य ठीक तो है ना? क्या कह रहा था शौर्य? बोलो बेटा क्या हुआ? शौर्य बिल्कुल ठीक है आंटी, सम्राट जी दूसरी शादी कर रहे हैं। उन्होंने शौर्य से कहा है कि वो उसके लिए दूसरी माँ लेकर आ रहे हैं। हाँ तो कर लेना दूसरी शादी हमारी बला से, तुम्हारा पीछा तो छूटेगा। अरे कौन करेगा उस राक्षस के साथ शादी? खैर जाने दो, हमारी तो बला टलेगी। जो भी बात हो तिवारी जी, लेकिन जितना हम सम्राट जी को जानते हैं उसके मुताबिक ये सब नाटक है, सब तमाशा है हमें डराने के लिए। क्या कह रही हो उनमें? नस नस से वाकिफ है उनकी आंटी, ये उनका नया पैतरा है हमें घर वापस बुलाने का। उन्हें लगता है कि उनकी शादी की बात सुनकर हम भागकर उनके पास लौटकर वापस चले जाएंगे। वो सोच रहे हैं कि हम अपने लिए ना सही लेकिन शौर्य के लिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे, और शायद इसीलिए उन्होंने शौर्य से ये बात कहलवाई। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि अब उनके लिए हमारा दिल, हमारी आत्मा और हमारा मन पूरी तरह से टूट चुका है। अब हमें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात शौर्य की, तो उसे वापस पाने के लिए हम किस रास्ते पर चल चुके हैं ये बात भी उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगी। कितना खाक आदमी है, अरे कैसी कैसी खुराफाते कर रहा है। बच्चे के साथ खेल रहा है तुम्हें वापस पाने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए। चैन से नहीं जीने देगा तुम्हें ये आदमी। अरे सुषमा जी, हमें तो तरस आ रहा है उस पर। इस तरह करके दिन ब दिन वो और गिरता चला जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि जिस लड़की के साथ उसने शादी की थी, उसे अपने घर लाया था, उसी की नजरों में वो गंदा और गिनौरा बनता चला जा रहा है। क्या कर रहा है ये इंसान? करे वो जो जो करना है उन्हें, लेकिन अब उनके कोई भी गलत इरादों को हम कामयाब तो नहीं होने देंगे। सम्राट क्या हुआ? हटो, इतने बेचैन कहाँ लग रहे हो तुम? है तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी लो कॉफी। अरे सब ठीक है भाई, दरअसल एक बड़ी पेमेंट का चेक आने वाला है, एक क्लाइंट से बड़ी मुश्किल से निकला है, वही आ रहा है, उसी का वेट कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, अभी आइए पकड़िए। मेहता साहब कैसे हैं? यस सर, प्लीज चेक। हाँ सही, थैंक यू। चलो सवेरे सवेरे लक्ष्मी माता आ गई है, हमारी दिवाली तो आज भी मन गई है। हाँ क्यों नहीं, हलवा बनाओ और बांटो सबको। अरे कहो तो पटाखे भी मंगवा दूं। अरे आपका मुंह किसी पटाखे से कम नहीं है, जे ही बजाते रहिए दिन भर। हाँ पापा दिखाओ ना क्या है। अरे चेक है, चेक। ये 50 लाख का चेक बड़ी मुश्किल से निकला है भाई। अरे पूछिए मत, इतने चक्कर चलाने पड़े कि क्या बताऊं मैं आपको। क्या कह रहे हो शौर्य बेटा? शौर्य बेटा चेक है, वो काम की चीज है, दो सर। क्या कह रहे हो? शौर्य बेटा पापा को दे दो, ऐसे तंग मत करो पापा को, चलो दे दो। शौर्य बेटा चेक वापस करो। पापा मुझे पकड़ के दिखा और ले लो। अच्छा बच्चू अपने बाप को दौड़ाओगे अब? हाँ पापा। वही रुको, अभी देखो तुम भी पकड़ लेंगे आपको। चलो चेक दो। चलो मैं, चलो बेटा 50 लाख का चेक फट जाएगा, क्या कर रहे हो? मैं ये करेला मार दूंगा बता रहा हूँ। देखा बाप बेटे कितना खुश हैं, कैसे खेल रहे हैं। उर्मी के पास शौर्य इतना खुश रहता है कभी का? अरे पकड़ लीजिए, क्या करें मैं? दादी आप सारा मत बोलो, चाची को ऐसे ही दौड़ाता था शौर्य खाना खाने के लिए। हाँ हाँ तुम चुप रहो, ज्यादा ही बोला ना करो। हाँ सबकी दादी बनी फिरती हो। अरे सम्राट
तुम बच्चे के साथ काहे ऐसे खेल खेल रहे हो बेटा? चेक दे 50 लाख के चेक दे दो बेटा, फट जाएगा, क्या कर रहे हो यार? कितना दौड़ाता है बच्चा यार। सॉरी बेटा। अरे माँ जी, चेक को अगर कुछ हो गया ना तो आपकी तो जान ही निकल जाएगी ना। है चुप करो, जब बोलोगी आप शकुनी बोलोगी। हाँ सौरभ, मैं बोला रुक जाओ। चेताने कैसे भागता है? रुको रुको सौरभ, रुको, चेक फट जाएगा सौरभ। सौरभ मैं फंस गया मेरा शैतान, अब कहाँ बच के जाओगे हमसे? तो चेक दो, चेक दो पापा को, शाबाश शाबाश बेटा, चेक दो। नहीं पापा। चल चल चल, ठीक है, मैं शाम को आकर आपसे मिलता हूँ। थैंक यू। रिक्शा रिक्शा, भैया भैया। अरे उर्मी, यहाँ चेखा कर रहे हो गौरव? तुमने देवी से वादा किया था ना कि उर्मी से बात नहीं करोगे। चलो चलो भाई। फेड अप। इतनी मुश्किल से पेमेंट आया था यार। उस इडियट ने देखिए क्या हालत कर दी, देखिए क्या हालत करी। अब फिर से भाई जद्दोजहद। अब क्या बोलूंगा उसके जगह? दोबारा चेक दो कि मेरे बेटे ने प्लेन बना के उड़ा दिया उसे, या फिर इसको पसंद नहीं आया तो कीचड़ में फेंक दिया। ओए हेट यू बनियो, हेट यू। अरे बेटा तुम भी तो इसके साथ खेलने लगे थे। हमें तो इसी बात का डर था, और जिस बात का डर था वही हुआ। हमने तो सोचा था कि चेक को लेके पहले भगवान जी के पास रखेंगे, फिर देंगे तुम्हें बैंक में डालने के लाने। देखो देखो लक्ष्मी मैया की कैसी बेकदरी कर दी है इस लड़के ने। आपसे कुछ होता तो है नहीं, बस कांड होने के बाद बकवास करवा लो बस। बेटा अरे संभालिए ना इसे। अरे हम कैसे संभालें? संभालिए कैसे? 24 घंटे शैतानी करता था। जब देखो किसी के बस में तो आता नहीं है जो। अरे सम्राट, अब गुस्सा होने से कहा होगा, जाने दो ना। हाँ भैया, उन्हें दूसरा चेक देने के लिए कह दीजिए ना। बेटा ताऊ लगाए वो, देखा तुम्हारा 50 लाख का चेक तो लटकाएगा 6 महीने साला। मेरी बात सुनो, तुम एक मेरी कान खोल के, मेरा किसी भी काम में, मेरी किसी भी चीज में बीच में आना, तुम मुझसे बड़ा कोई नहीं बता रहा। मैं बड़ा सीखूंगा, मैं बंदे बन जाओ तुम। हर दिन हर वक्त शैतानी करा लो बस, जीना मुश्किल कर रखा है। अब शैतान आपका कहेगी। पापा अगर आप इतना परेशान हो गए तो मुझे मामा के पास भेज दो। देखा कितना चालू है, जानबूझ के तमाशे कर रहा था बेटा जी। हाँ, ताकि तुम इसे इसकी मम्मा के पास सौंप दो। मेरे साथ गेम खेल रहे थे आप? बाप के साथ चालाकी? ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं मेरे सामने, ठीक है ना? और जितना सर पर नाच रहना उतना बुरा होगा तुम्हारे लिए, समझे? जाने दीजिए ना, बच्चा है। अरे तो बच्चा तो समझाओ तो, जिस भाषा में समझता है। कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी माँ के पास नहीं जाएगा, यही रहेगा और कायदे से रहेगा ये, ओके? ये तो और भी तरीका आता है मुझे समझाने के। मंदिरा शौर्य को ऊपर ले जाओ। हाँ। लेके जा। शौर्य जाओ जाओ ले जाओ। लेके जाओ सबर, बंद करो सबर कमरे में। तो जैसे देखो हमसे वो शादी दिखा रहा, बताओ जैसे गधा लगाओ मैं यहाँ पर। अरे लोगों को पता नहीं है मुझे उन्हें लपेट के गठरी बनाना भी आता है। फिर ऐसा लपेटूंगा ना, जितना खोलूंगा उतना खुलेंगे, सारी फैलन फैली बंद हो जाएगी यहाँ पर। अब बेटा खून तो उर्मी का ही बह रहा है ना इसकी रगों में, असर कैसे नहीं दिखाएगा? अरे देखेगा आप, एक एक बात का सूद समेत बता लूंगा मैं सूर्या से, देखेगा नरक बना दूंगा उसकी जिंदगी में। पक्का
मेरा दीदी मामा के पास जाने का प्लान फेल हो गया। अब मैं कैसे जाऊंगा मामा के पास? अब पापा मुझे जाने ही नहीं देंगे मामा के पास, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना मंदिर दीदी? हाँ शौर्य, लेकिन मुझे मामा के पास जाना है, जाना है, जाना है। ये क्या हो गया हमारे देवी को? माना कि लकवा मार गया है, लेकिन एकदम चुप, एक शब्द भी नहीं बोल रहा। का जवान को भी लकवा मार जाता है। गौरव बेटा क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कब ठीक होगी तुम्हारे पापा? वो बोलना शुरू कब करेंगे? डॉक्टर ने कहा कि उनको कुछ नहीं पता माँ, हो सकता है कि वो कल बोलना शुरू कर दे, एक महीना भी लग सकता है या एक साल भी लग सकता है। अरे ऐसे मामलों में ऐसा ही होता है माँ जी। हाँ हमारे गांव में एक बकरी को एक बार लकवा मार गया था, उसे जितनी मर्जी हरी पत्तियां खिलाओ वो ना खाती थी और नहीं बिमियाती थी। चुप, एक शब्द भी ना निकालना मुंह से। काय, अगर हमारे बाप पे विश्वास नहीं है ना तो हमारी अम्मा को फोन करके पूछ लो। चुप रहो। अच्छा हमेशा जरूरी है क्या बीच बीच में कमेंट्री करना? गौरव भैया हम पापा के लिए योगा टीचर लगवाए क्या? हमने सुना ही होगा से बहुत फायदा होता है। इस उम्र में ये दिन देखना पड़ रहा है? अपने बेटे को ऐसे देखने से तो अच्छा है भगवान हमें उठा ले। दादी अम्मा जी सब मत कहिए, कहा कह रही है? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। जब हमने किसी का बुरा नहीं किया है कभी भी, तो भगवान हमारा बुरा कैसे कर सकते हैं? दादी चुप हो जाइए बाबा, बस बस यही चुप करा करा के तुम लोग ने हमारी देवी की जे हालत कर दी है, जे सब तुम लोगों ने और उर्मी ने किया है। क्या हाल कर दिया हमारी देवी का। दादी प्लीज, माना कि पापा उर्मी की वजह से नाराज है, पर इसमें उर्मी को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अम्मा, और मत कोसिए उस बेचारी को, पहले इतना कुछ सह रही है। हाँ हाँ वो परेशान है अपनी जिद के कारण, वो खुद भी मुसीबत में है और हम सब का जीना हराम कर दिया है उसने। अब क्या किया है दीदी ने, आप बताइए। दादी आप सबके कहने पे उर्मी पापा से मिलने भी नहीं आई, और हमने भी उर्मी से मिलना जुलना बंद कर दिया है। दादी आज भी दिखी थी ना वो, फिर भी सगी बहन होके भी अनजानों की तरह हमने अनदेखा कर दिया ना उसे। और क्या चाहती है आप दादी? कम से कम वो जहाँ है जैसी है उसे शांति से तो रहने दो। तुम लोगों को तो बस उर्मी की फिक्र लगी हुई है, हमारे बेटे की तो कोनो चिंता नहीं है ना। अरे ऐसे कैसे कह सकती है आप कि हमें पापा जी की चिंता नहीं है? अरे हमें पापा जी की बहुत चिंता है, और हम ना उनको एकदम ठीक कर देंगे। हाँ हमारे गांव में ऐसे बहुत मामले हुए हैं। हाँ हम बता देंगे आपको। बहुत से मामले कहाँ देखे? अपने गाँव में बहुत सारी बकरियों को लकवा मार गया, यही ना? चुप हो जा नहीं तो मुंह तोड़ देंगे हम तुम्हारा। अरे दादी आप गलत समझ रही हैं, बकरियों के साथ थोड़ी ऐसा होता है, आजकल तो फिल्मों में भी ऐसा हो जाता है। हाँ माँ बाप दादा दादी सबके साथ ऐसा होता है, वो लकवा मार जाते हैं उनको। दादी सिर्फ बूढ़े लोगों को नहीं, हाँ वो आजकल तो हीरो को भी लकवा मार जाते हैं। आपको पता है उनके साथ क्या किया जाता है उनको ठीक करने के लिए? क्या करते हैं? अरे उनको ना झटका, जोर से झटका दिया जाता है। हाँ और फिर वो सब ठीक हो जाते हैं। आप लोग ना चिंता मत कीजिए, हम ना पापा जी को एक बड़ा सा झटका देंगे जिससे वो वापस से ठीक हो जाएंगे। हाँ आप बस हमारे ऊपर भरोसा रखिए। हाँ बहुत चुप करो तुम, भगवान के नाते चुप करो तुम, ऐसा कछु नहीं करोगी तुम। काय काय ना करें हम, अपनी अकल लगाना बंद करो, और खबरदार जो तुम देवी के आसपास भटकी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपनी कारस्तानी दिखाने की। आप लोग कुछ भी कहिए लेकिन हम अपना फर्ज निभाएंगे, पापा जी को झटका जरूर देंगे हम।
सर जी पहले हमारा ध्यान रखिए, हमारा काम कीजिए पहले, ठीक है? फिर अपनी क्वोटेशन भेजिए आप, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। और क्या I'll call you back soon, भाई। भाई शाबाश, क्या बात है भाई। ये दूसरी शादी का वार तो सबसे तेजी से असर किया है मैडम जी पर। लग रहा है रात बड़ी मुश्किल से कटी होगी, तभी तो दौड़ी दौड़ी चली आई। आइए मैडम जी, आइए। क्या बात है भाई, आप आई बाहर आ गई। फाइनली भाई, फाइनली आपकी हेकड़ी खत्म हुई। वक्त की भट्टी में अंदर का इस्पात गल गया है, अभी कुछ बाकी है। अजी कुछ जरूरी बात करनी है। अजी अजी भाई, आई नो एवरीथिंग। जरूरी बात अभी तो करेंगी आप हमसे, जरूरी बातें और कब करेंगी मैडम जी। जब चीजें हाथ से फिसलने लगती हैं तभी आदमी ऐसे 10 तरह के जतन करके उसे बचाने की कोशिश करता है, 200 तरीके की बातें करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे सॉरी वॉरी नहीं सुनना आपसे, नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि जो आपने किया है ना मैडम, उसके दाग आपकी सॉरी से नहीं धुलेंगे, बल्कि मेरे घर में मेरी सजा काट के धुलेंगे। अंडरस्टैंड? हमें अरे मजाक किरकिरा क्यों कर रही है भैया? जो कहना है सबके सामने कहना, अकेले में मत कहिए आप। ऐसी ऐतिहासिक बातें अकेले में नहीं की जाती हैं, सबके बीच इनका अलग ही महत्व होता है। समझी? क्या समझी? हमारे घर वाले भी तो देखे भाई, वो भी तो देखे जरा। एक आदमी क्रांतिकारी से केचुआ, केचुआ मीन्स कछुआ, कैसे बनता है? आइए भाई, माँ पापा भाभी अदिति फटाफट ये देखिए कौन आया है। माय फेवरेट द ग्रेट उर्मी मैडम जी आई हैं भाई। हमारी दूसरी शादी की खबर इनसे बर्दाश्त नहीं हुई, तोते उड़ गए इनके, औकात पे आ गई है। देखिए कैसे उल्टे पांव भागी चली आई है हमसे माफी मांगने के लिए। देखिए भाभी है। ये तो फिर आ गई। अरे अभी तो आना ही था माते, पता था मुझे आएंगी ये, जीते मरते आएंगी मेरे पास, मेरे पैरों में पड़ने। कि माफ कर दो मुझे, ऐसा अन्याय मत करो मेरे मेरे बच्चे के साथ। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैडम जी? लेकिन मैं आप सबको एक बात बताऊं, मैंने माफ नहीं करने वाला। लेकिन यहां इस घर में रहने की इजाजत जरूर दे दूं, चलो। लेकिन अब ये घर इनके लिए जेल के बराबर होगा। आप लोग चाहें तो माफी अभी सुन सकते हैं। अरे गो अहेड, मैं बताऊं, कोई बात बताऊं मैं आपको, एक ऐसे अकड़ू लोगों के मुंह से सॉरी सुनने में जो मजा है ना, वो किसी चीज में नहीं। इट्स अ ग्रेट फील, ट्राई इट, बता रहा हूं। फरमाइश कीजिए, आप सारी डिमांडें पूरी करेंगे, सारी फरमाइशें पूरी। आई पीछा ही नहीं छोड़ रही है चुड़ैल हमारे बेटे का। आप कुछ कह रही थी, बोलिए, आप बोलिए। वकील साहब आइए अंदर। अरे वकील को पकड़ के क्यों लाई हैं आप? लिखित में माफीनामा सुनाएंगी? क्या जरूरत थी इस चीज की भाई? हमारे पैरों पे गिर के गिड़गिड़ा के कह रही थी आपको बिना माफ के घर पे रख लेता, और क्या। अभी काला कोट बोलो, क्या बोलना है सुनाओ। मिस्टर सम्राट सिंह राठौर एक ही है इस दुनिया में और यहां बैठा हुआ है,
आगे बोलो। अदालत से आपके नाम पर नोटिस है। क्या क्या है नोटिस? क्या 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 तमाशा क्या है? देवर जी कहाँ है जी? हाँ बेटा बताओ ना पढ़ के इसमें कहाँ लिखा है? डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। डिवोर्स नोटिस।